हेलो स्टूडेंट्स, तो आज यहाँ शुरू करते हैं हम लोग अपना नया टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो वीडियोस मैं पहले ही अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, जो कि रिलेटेड है इंट्रोडक्शन टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड केमिस्ट्री एंड द नॉमनक्लेचर। बहुत डिटेल डिस्कशन नॉमनक्लेचर का उन दो वीडियोज में है, आप उसको प्लेलिस्ट पे जाके सर्च करिए और उनको भी तैयार करिए। आज ये तीसरा वीडियो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना सिलेबस का अगला पार्ट एल्केन्स। और एल्केन में हम लोग मीथेन और इथेन के बारे में डिटेल डिस्कशन पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको नॉमनक्लेचर सीखना है और इंट्रोडक्शन सारा डिटेल डिस्कशन देखना है, तो आप मेरे बचे हुए दो वीडियोज जो पहले बन चुके हैं उनको जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में अबाउट द एल्केन्स। देखिए, एल्केन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसके अलावा दो तरह के हाइड्रोकार्बन और होते हैं, एल्कीन एंड एल्काइन, जो अनसैचुरेटेड होते हैं। एल्केन वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब कार्बन की चार वैलेंसीज चारों सैचुरेटेड हैं विद द सिंगल बॉन्ड। देखिए, तो इंपॉर्टेंट बात पहली यही आई, एल्केन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, और ये कंप्लीटली सैचुरेटेड कंपाउंड होता है और बहुत लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि सैचुरेशन परफेक्ट है ऑलमोस्ट। तो कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो देखिए, दीज आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेंड अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑफ द कोवेलेंट नेचर, या कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा है, हाइड्रोकार्बन है ना, तो भी सिंगल बॉन्ड होगा। ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स, ये जो है पैराफिन्स कहलाते हैं। जैसा मैंने अभी बोला, लेस एफिनिटी मीन्स केमिकली लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनके बीच में कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है और सिंगल बॉन्ड होता है, तो सैचुरेशन लेवल बहुत हाई है, इसलिए रिएक्शन का लेवल थोड़ा डाउन है, यानी लेस रिएक्टिव होते हैं ये। तीसरी बात पे आते हैं, इनका जनरल फार्मूला CnH2n plus 2 है। अब इस फॉर्मूले में अगर आप n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 रखते चले जाएं तो वेरियस कंपाउंड बनते चले जाएंगे। वो कंपाउंड देखिए नीचे लिखे हुए हैं, CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन, C4H14 हेक्सेन। ये सारे कंपाउंड के बीच में डिफरेंस जो है, मेंबर्स के बीच में डिफरेंस CH2 का है। किसका है? CH2। आई थिंक ये बात आपको पहले से पता होगी, और अगर इसमें जरा भी कंफ्यूजन है तो आप मेरा नॉमनक्लेचर का वीडियो जरूर देखिए। तो ये सारे कंपाउंड्स के नाम आपको पता होने चाहिए, ये इसके मेंबर्स हैं जो इनिशियल लेवल के सारे मेंबर्स हैं। एक और बात आती है, ये एल्केन कहाँ पाए जाते हैं? आमतौर से ये एल्केन मार्शी लैंड्स में, जहाँ बहुत ज़्यादा दलदल घास फूस होती है, वेजिटेशन होता है, वहाँ पाए जाते हैं, हवा में होते हैं, और कोल माइंस में बहुत ज़्यादा होता है। तो एल्केन आमतौर से मार्शी लैंड में या कोल वाले रीजन में, कोल भी देखिए मार्च से ही बना है, नीचे बहुत ज़्यादा जब वेजिटेबल दब गया था उससे बना था। तो देखिए, नेचुरल गैस, लगभग 75% मीथेन इसके अंदर होती है नेचुरल गैस में, मार्च गैस। ये भी इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल होता है, जिससे कि सड़ती है वो वेजिटेबल्स और उससे मीथेन प्रोड्यूस होती है, जिसको हम मार्श गैस कहते हैं। ऐसे ही एक होती है फायर डैम, जो कोल पॉकेट्स होती हैं जहां कोयला निकाला जाता है, उसकी जो पॉकेट्स हैं उसके अंदर मीथेन गैस बहुत ज़्यादा कंटेन होती है और उसमें जलती रहती है वो, तो उसे कहते हैं फायर डैम्प। ये तीन कॉमन एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, और ये आपने एक एल्केन का जनरल डिस्कशन देखा। अब हम लोग शुरू करेंगे मीथेन और इथेन की स्टडीज़, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसके प्रिपरेशंस के बारे में। चलो अब शुरू करते हैं हम लोग लैब प्रिपरेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन, यानी जनरल वे में एल्केन जिसे बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में है मीथेन CH4 एंड इथेन C2H6 के बारे में डिस्कशन। तो देखिए, लैब प्रिपरेशन कैसे होती है। लेबोरेटरी में मीथेन और इथेन को प्रिपेयर करने के लिए हम सोडियम एसीटेट कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं, या तो सोडियम एसीटेट या सोडियम प्रोपियोनेट। देखिए, सोडियम एसीटेट लेंगे तो मीथेन ऑप्टेन होगा, और सोडियम प्रोपियोनेट लेंगे तो इथेन ऑप्टेन होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो CH3COONa सोडियम एसीटेट को जब सोडा लाइम के साथ मिलाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सोडा लाइम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH एंड CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं सोडा लाइम।
केवल NaOH को नहीं ले रहे हैं, हमने ये कॉम्बिनेशन लिया NaOH के साथ में CH3COONa को मिक्स किया इन प्रेजेंस ऑफ CaO, तो इसे कहते हैं सोडा लाइम का कॉम्बिनेशन, और इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो मीथेन ऑप्टेन हो जाती है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 अलग हो जाता है। सिमिलरली उससे अपर लेवल पे आए तो कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम प्रोपियोनेट CH3CH2 यानी C2H5COONa और NaOH और CaO के कॉम्बिनेशन सोडा लाइम को लिया और हीट किया तो ईथेन C2H6 मिलता है और Na2CO3 फिर से अलग हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दो मेंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स हैं, जिससे दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एल्केन को ऑप्टेन कर रहे हैं। तो देखिए रिलेशनशिप समझिए, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम ईथेन और मीथेन यानी कि ये एल्केन्स को ऑप्टेन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। ये लैब प्रिपरेशन होती है। अब यहां दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। पहली चीज की सोडा लाइम हम बार बार बोल रहे हैं, हम NaOH और CaO के कॉम्बिनेशन को प्रेफर करते हैं ओवर NaOH, NaOH को अलोन नहीं लेते हैं। रीजन बहुत सिंपल है, ये जो सोडा लाइम है एक तो ये डेलिक्विसेंट नहीं है, ये डेलिक्विसेंट नहीं है, और दूसरा ग्लास जो स्ट्रक्चर है उसका उसके ऊपर अटैक नहीं करता है, तो उसे टूट तोड़ता नहीं है। सिर्फ NaOH को ले लेंगे तो ये डेलिक्विसेंट होता है और ग्लास को क्रैक कर सकता है, तो इसको बचाने के लिए हम CaO की प्रेजेंस में सोड बना लेते हैं NaOH के साथ कॉम्बिनेशन, जिसे कहते हैं सोडा लाइम। दूसरी बात, C2H4 और C2H6 हमेशा डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट किए जाते हैं। ये कैसे कलेक्ट किए जा रहे हैं? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने बोला कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड हैं और यहाँ से हमें एल्केन मिल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ जब कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडा लाइम के साथ रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है और Na2CO3 बन जा रहा है अलग, तो एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज द प्रोसेस नोन एज और रिएक्शन नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये जो रिएक्शन है जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन ऑप्टेन करते हैं इस तरह से लैब प्रिपरेशन में, इस रिएक्शन प्रिपरेशन को डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहां पर देयर इज एन एलिमिनेट टेक प्लेस एन एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको यह बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि यह डीकार्बोक्सिलेशन का रिएक्शन है जिसके थ्रू हम लैब प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यह तो हो गई लैब प्रिपरेशन। इसके बाद अब हम लोग कुछ जनरल प्रिपरेशन को भी देख लें एल्केन्स की। अब हम लोग एल्केन की यानी कि मीथेन और इथेन की कुछ और जनरल प्रिपरेशन को देख लें। तो देखिए फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड्स की साथ में हम रिडक्शन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। एल्किल हैलाइड को ले लेते हैं और नेसेंट हाइड्रोजन को लेते हैं, और तो ये रिडक्शन प्रोसेस होता है, रिडक्शन का रिएक्शन है जिसमें ये एल्किल हैलाइड रिड्यूस हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक कपल कॉम्बिनेशन एंड प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल का साथ मिक्सचर बनाते हैं एल्किल हैलाइड का, उसको हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर कपल, तो ये रिड्यूस होके मीथेन इथेन बना सकता है यानी एल्केन बनाता है। और देखिए क्या होता है रिएक्शन, तो देखिए यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड है, मिथाइल आयोडाइड CH3I के साथ में नेसेंट हाइड्रोजन के दो एटम्स लिए गए इन प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर कपल एंड एल्कोहल का मिक्सचर, तो यहाँ पर रिड्यूस होके इस मिथाइल आयोडाइड ने CH4 मीथेन बना लिया और हाइड्रोजन आयोडाइड बन गई। सिमिलरली इथाइल ब्रोमाइड को देखिए, तो यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन के साथ सेम जिंक कॉपर कपल के साथ एल्कोहल की प्रेजेंस में इथेन बन गया और हाइड्रोजन ब्रोमाइड अलग हो गई। ये दो प्रिपरेशन हो गए। एक बड़ा यूनिक रिएक्शन है जिसे हम वुल्ट्स रिएक्शन कहते हैं, जो कि एक नेम्ड रिएक्शन है। इसमें क्या करते हैं, मिथाइल आयोडाइड ले लेते हैं CH3I मिथाइल आयोडाइड के साथ में सोडियम का रिएक्शन कराते हैं। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ पे सोडियम आ गया, सोडियम के साथ ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ईथेन बनता है और सोडियम आयोडाइड अलग हो जाता है। इस रिएक्शन को वुल्ट्स रिएक्शन कहते हैं। ये नेम रिएक्शन ज़रूर याद रखिएगा आप। इन दिस वे आपने ये तीन तरीके से मीथेन और ईथेन को बनाना सीख लिया। ये जो वुल्ट्स रिएक्शन है ये ईथेन के बनाने के लिए होता है, मीथेन में नहीं होता है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेसेंट हाइड्रोजन की प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड का रिएक्शन हो रहा है जो कि रिडक्शन रिएक्शन है। इन दिस वे आपने यहाँ पे आज प्रिपरेशन, लैब प्रिपरेशन और जनरल प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स को सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन एंड उनके रिएक्शंस के बारे में। थैंक यू।